तो चाल हो गई, कल कर लिया है ये सब गेम। ठीक मोबाइल इतना डाटा भर गया है ना कि टाइम मास्टर भी बोल रहा है कि नहीं मैं वीडियो एडिटिंग करवाऊंगा। पॉइंट डाल देते हैं थोड़ा सा, बोल रहा है ना कि नहीं एडिटिंग करो करने दूंगा, पहले फाइल खाली करो, इसीलिए। ठीक साइट पर और फोटो नहीं डालें यार, भूल जाता हूँ बार बार, आता हूँ साइट पर फोटो ये नहीं डालता हूँ। चलो स्टोर में चलकर फोटो डालेंगे। दोपरा गुल्लू आया है जो चिपकाने वाला होता है। अरे भाई यार तो खाली है साला के पेटी हो। हाँ सुलेशन मैं तो जो पूरा भरा हुआ है लेकिन खाली है ये तो। छह गो ये नौ गो ये दस आठ तीन छः दो आठ और एक पेंट पीला वाला और एक कुची रही जो अभी जो के अभी पेंट बचा है। अभी पेंट तो बहुत है, अभी पेंट तो मंगा दिए किसी भी रहेगा तो काम करेगा इसलिए। और एक गणपति बाबा जो कल चले जाएंगे अपने घर, हमारे यहाँ बहुत दिन रह लिए। आरती हो गई है, शायद अभी आरती नहीं हुआ होगा क्योंकि आरती हुई रहती तो इस थाली में बढ़ता रहता है, जल कर रखा होता। जहाँ से छोड़े थे वही काम कर रहे थे। इतना हमने कल पाइपिंग कर दिया था और इधर से जो हमने मारा है उसमें अब ग्रिप और स्क्रू लगा दें। तो ग्रिप तो मैंने धर लिया और स्क्रू सेडल भी धर लिया है। फाड़ का दो चार पैकेट ग्रिप डाल देता हूँ और एक पैकेट स्क्रू। ठीक तो ग्रिप ये दो पैकेट रहेगा और स्क्रू एक पैकेट। बस कराइया थे तो मेरा काम रहेगा बस ग्रिप स्क्रू फंसाना और इनका काम रहेगा पाइपिंग करना। स्क्रू था और एक पैकेट ग्रिप, फिर एक पैकेट ग्रिप हो गया ना। इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर देंगे चला जाएगा सारा मिक्स। और सेडल हमने कम ही रखा है क्योंकि बाद में दोबारा आकर ले लूँगा, क्योंकि सेडल उतना लगता नहीं है। ठीक है तो देखो एक पैकेट लाया था स्क्रू और एक पैकेट ग्रिप लाया था। आज पानी कम है इसलिए ना कि जो हाथ मुंह धोते हैं सब ना वो पानी चालू कर कर ही छोड़ देते हैं सब। ठीक इसलिए पानी ज़्यादा रहता था। तो आज मतलब हम लोग हाथ मुंह धोए थे तो बंद कर दिया था तो पानी आज इतना नहीं गिरा है, कम है। हम ही लोग नहीं मतलब कोई भी धोता था ना तो नहीं चलते। वो सामने वाला जो स्कूल है वो देखो तोड़ दिया, पूरा तोड़ के ख़त्म हो गया। उसमें का जितना एसी था सारा निकाल लिया। तो हथौड़ी लेने जा रहा हूँ क्योंकि हथौड़ी हमारे पास नहीं है। कल जिसका लिए थे ना उसके लिए मुझे निकालेंगे फिर उसके लिए निकालेंगे। तो वहाँ से हम सेडल मारते मारते हैं और यहाँ तक हम मार दिए और इस वाले पाइप को इधर मिला देता हूँ और फिर वजह से रखकर और ये वाली जो पाइप आ रही है इसको यहाँ पर लाकर मिला देंगे। फिर उसके बाद सिलेंडोरी करेंगे तो फिर ड्रिल मारेंगे। ठीक तो इतना बचा है ग्रिप, ग्रिप तो मतलब ख़त्म कर दिया। स्क्रू अभी चार पैकेट है और चार पैकेट स्क्रू है और सेडल तो इतना अभी रहा, इतना मत से हमने कुछ ठोका है। एक बार ख़त्म कर दिया वो कल से कि कल तीन दो पैकेट लाए तो एक पैकेट दो पैकेट दूसरे का पैकेट में का वो इतना बचा है और एक पैकेट तो लिया कर अभी स्टॉक में मैं धरा हुआ हूँ। कि लैंडोरी करने के लिए हमें पहले तो लैंडोरी चाहिए और दूसरा नील चाहिए, तीसरा इंची टेप जो मेंज टेप होता है और दूसरा इसमें पानी के लिए। ठीक तो इसमें तभी ना नील घुलेगा तो बनेगा पहला से या चढ़ दिया चढ़। पाइपिंग वहीं पे हमने छोड़कर लैंडोरी किया तो ये रही। अरे हाँ तो बताया था पहले ही ना, देखो नील को मैंने ग्लास में घोरा था और इसने लपेटने के बाद ना एक ही बार में सारा हो गया। लेकिन अब पेंट मारने को इस कितना अच्छा उतरा है ना, एकदम मस्त एकदम ललन टाप लग रहा है, एकदम क्लीन, इतना फ्रेश नहीं उतरता है। जैसे ऐसे वैसे एक ही बार में उतर गया ना वैसे तीन चार बार इसको मतलब डाल डाल के निकालो, फिर मारो, फिर डालो, फिर निकालो, ऐसे था। तो एक ही बार में लेने पर पूरा उतर गया और अच्छा भी उतरा है ना, पेंट मारा है तो सफ़ेद कलर है तो इसकी वजह से अच्छा उतर गया एक ही बार में लेंडोरी। तो अब दोपहर के बाद फिर अब क्या बोलते हैं दोपहर के बाद लंच होने वाला है, आधा घंटा लंच हो जाएगा तो अब आराम आराम करेंगे खाना वाना खाने रोटी खाने के बाद फिर इसके बाद सेटिंग चालू करेंगे फिर इसके बारे में मार कर सारा ख़त्म कर देंगे। हाँ
लगाए कौन जी का, अब लंच के बाद हुई तब तक तो वायर और तब तो रिसाइज सकता हूँ ना, वायर डील मतलब ओके कर दूँ। मारना है हमें बस ये वाली लाइन जो लग रही है, देख रहे हो क्लीन लग रहा है और जा नहीं है ता कैसा लग रहा है पता चल रहा है, नहीं पता चल लगेगा बाबू लग रहा है पर उतना नहीं पता लग रहा है, देखो ये वाला कितना क्लीन नहीं उतरा है। चलो मशीन लगा लेते हैं तो कल जैसा करेंगे, क्योंकि सेफ्टी वाला बोल रहा था इधर हम लोग, लेकिन यहाँ तो पानी यार है नहीं, तो ऐसे कि मार के छोड़ दिए हैं और मैं जा रहा था अब डीलिंग करने तो टाइम हो गया, तो अब बोला था ना कि लंच के बाद ही अब इसको मारेंगे, तो लंच के बाद ही इसको मार दूंगा, एक घंटा लगेगा, एक घंटा में जल्दी जल्दी करके मार दूंगा, फिर इनके साथ टेलर ठकवा दूंगा, पैकिंग में भी जल्दी ठकवाएंगे, क्योंकि आज रविवार है ना तो जल्दी से घर रूम पे आज पहुँचेंगे, 6 बजे पहुँच जाएंगे, और भी जो ढाबा बांधने का है सब उनको तो डेरी मिलेगा, चाहे जब कर कर चले चाहे अभी कर कर चले चाहे वो रात भर करें, हम लोग से नहीं मतलब है। ठीक तो उनसे करने दो काम अपना। और ये ट्रक आया है जो राजस्थान से माल लेकर आया है, लोडिंग खाली कर रहा है अपना, तो बाहर चलते हैं छोला लेकर आएंगे, जो यहीं पास में छोला वाला दुकान है, यहाँ से लौटता भी है, देखो लौट रहा है, तो छोला कुलचा वाला है, तो हमें बस छोला लेना है, कुलचा नहीं लेना है। अगर जिस मोबाइल में तुम अगर जिस जेब में मोबाइल धरते हो ना उस जेब में पैसा कभी मत धरना, पता ना यार कब निकल के गिर जाए, कोई गारंटी नहीं, इसलिए धरा था लेकिन गिरा नहीं था, बच गया था, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग मत धरना उसमें, क्योंकि पैसा गिर जाता है तो मिलेगा ही नहीं, इसीलिए। चलो सामने जल्दी से चलते हैं और छोला लेकर आते हैं, कल तो मतलब खुला, कल तो खुला नहीं लिया था तो छोला नहीं दिया, बोल रहा है कि खुला लाओ, मैं अरे कहाँ खुला कराने जाऊँ, तो मिल गया, और आगे चलते हैं और दुकान पर लेकर फट देना आएंगे, तो वहाँ से आते समय डिब्बा ले जाऊँगा, नहीं उसको पहले ना धर लूँ इस डिब्बा को ना यहाँ सामने धर लूँगा, सही रहेगा, तुम भूल कर बहुत तेज भूलता हूँ, भूल जाऊँगा फिर भी नहीं डिब्बे का ही चला जाऊँगा, तो फिर इस पानी के लिए तरसना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ ये मार्कर रख लो, यदि कोई लेकर चला जाएगा उसका काम हो जाएगा, हमारा तो काम ख़त्म। तो मैंने मशीन वशीन को ले सब ऐसा ही छोड़ दिया है, यहाँ कोई छुएगा नहीं क्योंकि लंच हो गया नहीं छुए। तो इन चिट्टे पीछे डाल दिया और ये मसाला वाली गाड़ी आ गई, बैक कर रहा है ना कोई होगा इसलिए नहीं आ पा रहा है, टाटा की छोला ले लेते हैं, मिस का मिस का छोला पैक करा दिया। ठीक चार्ज के लिए तो हमने छोला ले लिया और छाछ के लिए पूछा तो बोला कि छाछ 5 का नहीं आता है 15 की आती है, खराब 5 का तो खरीद भी नहीं पड़ता है, अरे यार चलो कोई ना चलता है, कभी कभी एक भी रोटी नहीं मिलता है, आज 4 लाया था तो आज हमने 11 रोटी और चाचा से दी है तो खाए, और 50 रुपये तो छोला हो गया, और यार फिर 10 रुपये छोला लेंगे, 60 रुपये छोला हो जाएगा और बाकी पैसा बचकर छाछ दिया जाएगा। ठीक तो चलो यही दुकान है, ना यार कौन सा कुलचा देता है, तो ये बिल्डिंग इसके बाहर का सीन है यार, देख रहे हो जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है, देखो यहाँ पे लग गया फिर इसके बाद से वहाँ पे लगा रहे हैं सभी, पोस्टर नहीं दुकान वाले हैं सब ना, तो तिरपाल बांध रहे हैं सब चढ़ कर, बारिश आए तो भीजे ना, तो जितना मतलब जगह है बस थोड़ा गया मतलब 3 फीट या 4 फीट होगा उतने ही जगह में सब दुकान लगा लेते हैं अपना, जगह में दुकान लगाएंगे सब, लगाने के बाद छुट्टे छुट्टे चले जाएंगे सब बढ़ जाना, और वो अभी उतना ही जगह में है सब। लंच करने के बाद हम लोग आ गए और आने के बाद अब डीलिंग करेंगे, तो आज तो मौज हो गई थी यार, 11 रोटी चाचा लाए थे, 4 हम लोग, 15 रोटी थी तो 15 में से हमको लगता है 5 वो खा गए, और 5 वो खा गए थे, और मतलब जो और बाकी बचा था 10 रोटी वो हम लोग खाए, तो 2 जना मिलकर 4-5 रोटी, और छोला बता ही रहा था कि 60 जगह हमने छोला लाया था तो 20 रुपये कर कर लाया था, अरे 4 रोटी थी फिर बाद में और रोटी बढ़ाए तो लेना पड़ा, अगर इतना ही तरह अगर रोज़ रोटी खाएंगे तो
शरीर ऐसी रहेगी, लेकिन एक दिन मिलता है तो चापो दबा कर चलिए। वह मर्द काम लिया फिल्म मार रहा था तो एक वाली ये बीट गर्म होकर सरिया पे सरिया लगता है ना, इसके ऊपर सरिया आता है सेलिंग पे, तो सरिया लगा तो ये कट गया टूट गया गर्म होकर। तो दूसरा वाला ये बीट ले जा रहा हूँ, नया अभी आया था लेकर, तो नया बीट ले जा रहा हूँ, छः का ये नया बीट ले जा रहा हूँ क्योंकि आया था ढेर सारा खरीद कर आ रहा बात ना, तो बीट था नहीं लेकिन आज ही खरीद कर आया था तो मिल गया मुझे, तो अपना कर रहे हैं पाइपिंग की, जहाँ तक मार था डील ना वहीं तक पाइपिंग हो रहा है, तो इधर से इधर पूरा लास्ट तक ले जाऊँगा, फिर लास्ट के ले जाऊँगा, फिर ये वाली लाइनिंग ले जाऊँगा लाऊँगा ठीक। यही जो लाइन डोरी वाला है ना, ये भी मार रहा था तो उड़ गया। तो आज संडे था और आज हमारा छुट्टी हो गया 5 बजे, तो यार स्टोर कीपर ना लगा दिया था अंदर काम करने के लिए, इसलिए अभी कब का निकल गया होता तभी मतलब आधा घंटा लग गया, तो अभी चलो निकल रहा हूँ रास्ते में, भैया बैठा जाएगा तो झोला खटवाना है और चना लेना है, तो मुँह आप पता ना साफ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे देखा नहीं हो तो क्या जानूँ। दल्ली बस, दो तल्ला बस है और इतना मतलब भीड़ लगा है ना, आज रविवार है ना इसीलिए। रविवार के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है और ये उन्हीं बस में कहीं निकले थे क्या सर, तो इधर इतना जाम लगा है, इन घोड़े से बड़ा डर लगता है और किसी से नहीं, क्योंकि कब लत्ती मार दे इनका कोई गारंटी नहीं है ठीक। तो इधर अपने साइड हो जाए, तो आज तो इन सब की मौज होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा रविवार को ही छुट्टी मिलती है सबको ना, तो सब घूमने आते घूमते हैं सब, इतना जाम हो रही।